एक्साइटमेंट में भूल जाती हूँ तुमने क्या बोला क्या है। मैं कुछ नहीं ना, अरे ब्लश कहाँ से आएगा? क्या बोल रही थी मैं? अरे मेरे को ब्रेन उलझा खाना पड़ेगा, ज़्यादा ही लाल हो गया लगता है। बहुत गंदी तरीके से लगाया तुमने। यार क्या कर रही हूँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। कहाँ रेडी हुआ मैं यार, ये पहनना मैंने लग रही हूँ। Hi everyone, welcome to my channel. This is Angelina and this is my first vlog. So हाँ, मैं इंट्रो बाद में बना रही हूँ एंड मैं बाद में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले वाला इंट्रो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं थोड़ा एडिट करके कर रही हूँ। सो बाकी का देखिए। सो टुडे समथिंग क्या बोल रही हूँ मैं एक्साइटमेंट में भूल जा रही हूँ कि मुझे क्या बोला क्या है। गला ख़राब हो गया मैं। तो मैं क्या बोल रही थी कि मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ। मैं करने जा रही हूँ कियारा अडवाणी का लुक जो है शेरशाह में। क्या बोलना क्या चाह रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, अरे मेरे को ब्रेन उलझा खाना पड़ेगा। तो मैं करने जा रही हूँ डिम्पल बत्रा का जो लुक है। क्या बोल रही हूँ यार, हद यार, मैं पता नहीं क्या बोल जा रही हूँ यार, इग्नोर करो बस। बस ये सब मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ कियारा अडवाणी का जो शेरशाह में उनका जो लुक है डिम्पल बत्रा पता ही था। शादी के बाद का बोल रही हूँ, उसका केयर करने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ मेकअप। सो बेसिकली मैं कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करूँ, बहुत लाइट सा मेकअप करूँगी, करूँगी नहीं ऑलमोस्ट। तो चलो देखते हैं क्या किया जाता है। मैंने ड्रेस तक चूज़ नहीं किया है, वो उन्होंने ज़्यादातर तो वाइट कलर का एक वो पहना है, क्या कहते हैं उसको, कुर्ती पहना है। तो देखते हैं मेरे पास वो है या नहीं, तो देखते हैं। नहीं तो जुगाड़ लगाएंगे हम। और मेरे हेयर्स, हाँ पता है ये एक्चुअली वो हेयर स्टाइल नहीं है जो उन्होंने शेरशाह में रखा है, बट ये सुबह से मैं बांध के रखा है। मैं सुबह वीडियो नहीं बना रही क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तभी थोड़ी बारिश थोड़ी कम हो गई है। तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल वाला लाइट भी चाहिए शूट के लिए, कुछ सीन्स है उसके लिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं जो भी है। चलो तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रीम के साथ। ये कौन सा क्रीम है? लोटस का मॉइस्चराइज़र है, डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। चलो दिखा देती हूँ, ए फोकस हो। तो ये लगाती हूँ मैं, फेस वॉश करके आ रही हूँ, ड्राई हो गया। मैं ऐसे क्रीम लगाती हूँ, जज मत करना, मैं सुनाई दे भी रही हूँ। मैं यूँ करके क्रीम लगाती हूँ, ठीक है? ये मत समझना कि मैं थोड़ी अजीब सी लगाती हूँ, मैं ऐसे लगाती हूँ। सबका एक स्टाइल होता है लगाने का, तो So, मैं फेस पाउडर फाउंडेशन कुछ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मेकअप से एलर्जी है, हाँ रैशेज आ जाते हैं। सो मैं स्टार्ट करने आ रही हूँ ब्लश से। तो नॉर्मली जो मेरा मेकअप वाला ब्लश है उसका क्या, वो ये मुझे नहीं लगा था क्योंकि इससे मैंने एक बार लगाया था, उससे मुझे रैशेज आ गए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लिपस्टिक लगा लूँ क्योंकि वो पंजाबी थी एंड पंजाबी की स्किन देखना एकदम ग्लो आता है उनसे, मतलब एक नेचुरली उनका ब्लश रहता है, तो मुझे थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। मैं रेड भी लगा रही हूँ थोड़ा बहुत, ये एक्चुअली रेड नहीं है, ये थोड़ा ऑरेंज टाइप है। इसको अच्छे से देखना, मैं नॉर्मल तो मेकअप करती नहीं, आज ही शॉक चढ़ गया, आज कर रही हूँ मैं। मेरे को दिखी नहीं, कैमरे में दिखी नहीं रहा, अरे ब्लश कहाँ से आएगा? रेड लगाते हैं। उसके गाल इतना डिम्पल के एकदम लाइक चेरी टाइप है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ज्यादा लाल हो गया लगता है, क्या मजाक है, ज़्यादा लाल हो गया। ये मेरे को मेकअप नहीं लगता क्या? उस दिन तो बहुत अच्छे से हो रहा था, क्या मजाक है, कितने सारे लिपस्टिक्स लगा रही हूँ मैं, लास्ट में ब्लश ही लगाना पड़ेगा लगता है। ये ऑलमोस्ट पिंक हो गया, शिट। मम्मी आकर वीडियो देखेगी ना, ब्लश का हालत देखेगा, क्या कहते हैं इसको, ब्लेंडर का हालत देखे ना, मेरे को मार लगेगा ऑलमोस्ट, कि ये मेरा नहीं क्योंकि मैं तो मेकअप करती हूँ। चलो आईने में फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, कैमरे में तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा हमारे पास इफेक्ट है, इफेक्ट लगा रही है, पिक्चर से क्लिक करना। अरे यार
Next time mascara and kajal ka pata kar. Kajal hai? Oi. Kajal hai and mere paas mascara mil gaya mujhe. तो काजल लगाते लगाते मेरे को एकदम रोना आ गया क्योंकि मैं मुझे मुझे पता नहीं बट मैं काजल लगाना अच्छी नहीं लगती लगता चल कमेंट्स में बताना कैसी लग रही है रैपली सी लग रही है यार बाल खो लेती हूँ तकलीफ सी लग रही है मेरे बाल ना एकदम तेल तेल हो गए मस्कारा लगाती हूँ मैंने ऊपर भी लगाया बहुत गंदी तरीके से लगाया मुझे लगाना नहीं आता So let me wait till this time. यार गीले मस्कारा से कुछ मत करो। मस्कारा लगाने के बाद ज़्यादा कुछ करूँगा तो इधर उधर लग जाता है और वो पूछने में 5 घंटे लग जाते हैं। और इधर कौन सा मेरा? ओह शिट यार क्या कर रही हूँ मैं? खोल रखे। तो बीच में थोड़ा बहुत इसको सुखाते सुखाते मैंने अपने आईब्रोज भी बना लिए एंड मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मुझे लगा कि वीडियो कैमरा जो है वो ऑन है बट वो ऑन था ही नहीं मतलब मैं दिखा नहीं पाई चलो अब ड्राई हो गया तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ एकदम लाइट सा पिंक कलर का लिपस्टिक लगाऊंगी क्योंकि कैमरे में लिपस्टिक दिखता ही नहीं है तो और ये शूट जो है वो मैं अकेली कर रही हूँ कोई है नहीं जो करके दे ओके सो हम रेडी है बस समय बस वो करना है क्या कहते हैं उसको हेयर्स बनाने हैं अपने जो मैं हेयर्स बना के फिर मिलती हूँ मेरा इतना हेयर फॉल होता है कि क्या ही बताऊँ मतलब वो इंदुलेखा क्या क्लिनिक प्लस क्या क्या था मैंने सब यूज किया है घंटा कुछ हुआ है मैंने कितने पतले हो गए मेरे हेयर पार कर रहा है सर यहाँ पर हम रेडी हो गए हाँ पता है बाल निकालने होते हैं हाँ निकाल रही हूँ बट एक्चुअली तब क्या हो रहा था ना कि बाल ना निकल नहीं रहे थे तो क्योंकि मैंने पहले तो हेयर बना लिया था तभी तो मैं बहुत डिफ़िकल्टी से मैं निकाल रही हूँ निकालती जा रही हूँ निकलना नहीं चाह रहे बट ज़बरदस्ती मैंने कैसे भी करके इसको निकाला है एंड फाइन निकल गए एंड पीछे से ऐसा ख़राब हो रहा था बट फिर भी छोड़ो और कर्ल करने के टाइम मैंने क्या किया अपना काजल लिया उस पर यूँ किया एंड उस पर हेयर स्प्रे मारते एंड हो गया तो सिंपल है एंड इसको कर्ल करने के बाद कर्ल हो गया एंड मैं रेडी हो गई यस मतलब बीच में शॉक चढ़ गया था कि मुझे लगाना है मतलब आई मीन ये क्लियर करना है तो मैंने कुछ ही निकाला तो मैं अभी ज्वेल निकाल रही हूँ कि मुझे कौन सा इयर रिंग पहनना चाहिए वैसा पिक्चर में वैसा तो मेरे पास है नहीं मेरे पास लंबे लंबे हैं तो मैं सोच रही हूँ कौन सा पहनूँ मेरे पास बहुत सारे चॉइस है बट मुझे ये पहनना है बट मैं ये वाली इयर रिंग्स खोलना नहीं चाह रही क्योंकि इसका पॉइंट देखो कुछ ऐसा है तो मैं सोचू यही पहनूँ इसका थोड़ा अलग है तो मैं सोचू यही पहनूँ बट ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं यार छोड़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है मेरे पास जितने भी इयर रिंग्स हैं जिससे मैं पहन सकती हूँ सारे ही अजीब मतलब उस टाइप के हैं ये जो मैंने पॉइंट दिखाया अभी ऐसे है तो ऐसा वाला मैं पहन सकती हूँ क्या मजाक है यार तो मुझे बड़े छोटे दोनों ही निकालने हैं ये पता ही बाद में स्ट्रेट क्यों हो रहा है स्ट्रेट मत हो तो मुझे बाद में क्या थोड़ा छोटे भी पहनने हैं तो मैं सोच रही हूँ कौन सा पहनूँ पिक्चर देख के बताती हूँ एक सीन में उनके पास एकदम थिन वाला है तो मुझे ये पहना था बट इसका जो पैर है मुझे नहीं मिल रहा यार ये परफेक्ट था कोई ऐसे पीछे भी है इसका क्या मजाक है यार थोड़ा सा सपोर्ट कर लो मुझे कोई मुझे इन दोनों में से कोई एक पहनना पड़ेगा एक और है मेरे पास वो कहाँ क्या होगा ढूंढना पड़ेगा मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना मैं क्या बताऊँ मतलब ये वाली इयर रिंग जो बहुत ज़्यादा पसंद है कभी मैंने पहना नहीं है बट ये क्या है कि इसका जो पैर है वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया मतलब जब मुझे चाहिए होता है तभी वो गायब हो जाते हैं जब मुझे नहीं चाहिए होता दो दिन पहले मेरे सामने ऐसे डिस्को डांस कर रही थी मुझे नहीं चाहिए था अभी मुझे चाहिए तो नहीं मिला मैं सोच रही कि ये भी पहनूँ बट यार सेम प्रॉब्लम आ जाती है इसके पीछे वाला कुछ अलग ही है तो इसी से काम चलना पड़ेगा मैं रेडी हो चुकी हूँ कहाँ रेडी हूँ मैं यार ये तो पहनना मैंने
ड्रेस पहना है उसके बाद पहनूंगी मैं पूरी पागल हूँ। तो मिलते हैं कहाँ, कब मिलते हैं ड्रेस पहनने के बाद। तो मेरे पैटर्न को ज़रा इग्नोर करो, बहुत मैसी हो रहा है। तो मुझे जैसे मुझे पता ही था कि मेरे पास कोई कुर्ती नहीं है, वैसे ये भी नहीं पता था कि हाफ है, ऊपर से इतना बड़ा है मेरे को फिट आएगा नहीं, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ क्या यार, क्या मजा आता है, हद हद है यार। तो हम तो जुगाड़ू इंसान हैं, कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। सो ये जो पिक्चर्स हैं मैं पोस्ट करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और अगर आपको मेरे रील्स एंड पिक्चर्स देखने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं यहीं कहीं अपना वो आईडी छोड़ दूँगी तो जाके फॉलो कर लो जल्दी जल्दी। एंड तो बताना भूल ही गई थी कैसी हूँ मैं, क्या करती हूँ मैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दे दीजिए, साइज में ही होगा लाइक, क्या बोलूँ मैं। सो गिव द वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, फैला दो वीडियो को, एंड जिसके साथ शेयर करो उसको भी बोलो फैलाने, मतलब इन अदर वर्ड वायरल कर लो। तो हम तो जुगाड़ू इंसान है, जुगाड़ लगा लिया हमने। तो मैंने क्या देखा वीडियोज़ में, आई मीन पिक्चर में, कि उनका जो कुर्ती है, जो ड्रेस है, वो ज़्यादा दिख नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फुल स्लीव का एक टॉप पहन लिया एंड ये कुर्ती ऊपर से पहन लिया है, तो हाफ स्लीव से फुल स्लीव हो गया, जुगाड़ू इंसान। तो ये मेरा पिंक कलर का दुपट्टा है, इसमें फिर से एम्ब्रॉयडरी है, डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक है काम चला लीजिए, क्या है यूँ कर लिया लग रही तो मैं एकदम रेडी हूँ। एंड मुझे उन्होंने कुछ ब्राउन कलर का कोई बैग लिया है, बट मेरे पास तो कोई ब्राउन कलर का था नहीं, मैं तो मैंने व्हाइट ले लिया। एक्चुअली मेरे पास ब्राउन था, बट वो क्या है कि उसका जो बेल्ट है वो गया, ख़त्म हो गया। हाँ ये गिर के गिर जाएगा, गिर के गिर जाएगा, क्या बोलूँ मैं। तो मैं ऐसा देख रही कि वो जो ब्लॉग है वो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो मैं बकवास बिना बकवास के पिक्चर्स क्लिक करती हूँ एंड दिखाती हूँ, एंड मैं एक रील भी बना रही हूँ, चलो वो भी दिखा देती हूँ। तो बाय गाइस, सब वीडियो देखिए, फोटोज देखिए, मैं बनाती हूँ वो भी। रज रज हिजर मनावा, नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा, ओ नी मैं रज रज हिजर मनावा, नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा। कल्ली पेड़ च बैठी, तेरी पेड़ में बैठी, रसिया रांझा वे मेरा, मैं भी कम न एठी। कल्ली पेड़ च बैठी, तेरी पेड़ में बैठी, रसिया रांझा वे मेरा, मैं भी कम न एठी। चुप मारी चुप है ना चा, बोले कैसे वे ना चा, बोले कैसे वे ना जा, जा, जा। बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप मारी चुप है ना चा, जा। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मैनू नजरों से दूर, पीछे चलिए तेरे चलिए तेरे पीछे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू। ये मेरी बेड की हालत देख ही सकते हो, कितने सारे चुन्नियां निकाली है मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो आपको एक लास्ट एक काम करना है कि कमेंट्स में जाके बताना कि मुझे नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, बनाना चाहिए, क्या व्लॉग चाहिए, या फिर कोई चैलेंज चाहिए, या फिर ये बता सकते हो कि अगर कुछ क्रिएट करना है मुझे तो कौन सा, किसका लुक मुझे क्रिएट करना चाहिए, ये भी बता देना, ठीक है। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लास्टली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल में, एंड करना पड़ेगा, मैं पूछ नहीं रही कि करोगे, मैं बता रही हूँ कि करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा लाइक नहीं करोगे तो गोली मार दो, नहीं आपकी चॉइस है, वीडियो अच्छी लगी तो करना, नहीं तो रहने दो फिर बेचारी लड़की को। बाय बाय बाय।